Hello dear students, welcome to another video lecture. In this particular lecture we are going to talk about the blood vessels. ठीक है, आज हम blood vessels के बारे में बात करते हैं. तो blood vessels आप सबको पता है कि हमारी body में there are three types of blood vessels. पहला है arteries, दूसरा है veins and third one is capillaries. So these are the three types of blood vessels present in our बॉडी. ठीक है, हाँ, हम चलिए एक एक करके इनकी बात हम करते हैं. ठीक है ना, तो पहले हम देखते हैं कि जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं, हम पहले इनका जो स्ट्रक्चर है, हम पहले इनका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं. यहां पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाई है. दिस इज द टी एस ऑफ आर्टरी एंड दिस इज द टी एस ऑफ वेन. ठीक है, तो टाइम हमारा बच जाएगा, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है. तो पहले हम देखेंगे कि आर्टरीज और वेन्स का जो होता है, इनके जो वॉल्स में जब हम इनका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो उनमें जो स्ट्रक्चर होता है एक जैसा होता है, यानी कि उसमें जो लेयर्स होती है, उसमें जो टिश्यूज होते हैं एक जैसे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी फर्क होती है उसके डायमीटर में, उसकी थिकनेस में. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे आर्टरीज और वेन्स में इनका ट्रांसवर्स सेक्शन हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम इस ट्रांसवर्स सेक्शन को, इन दोनों को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, हाँ चलिए, जो ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम पहले देखते हैं, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, बाहर से इसको एक लेयर होती है जो आप यहां से देख रहे हैं, जिसमें मैंने ये डॉट्स डाले हैं यहां पे भी. तो दिस लेयर इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका एक्सटर्ना. तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना. ओके, सो ट्यूनिका एक्सटर्ना इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया. ठीक है, हाँ, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया. तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता क्या है, दरअसल ये होती है, ये स्ट्रंग देती है किसको, चाहे आप आर्टरी को देखो चाहे आप वेन को देखो. तो जिसका आउटर मोस्ट लेयर होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये इसको स्ट्रंग देती है. क्या देती है, स्ट्रंग देती है. और ये ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है, ये होती है फाइब्रस लेयर, ये बनी होती है कोलेजन की. ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, चाहे आर्टरी ले लो चाहे वेन ले लो, तो ये दोनों में बना होता है किसका, फाइब्रस लेयर का, और इसमें होता है कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं इसमें. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्यूनिका एक्सटर्ना इज दैट, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है इसमें इसकी अपनी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है. ठीक है ना, मान लीजिए अगर ये कोई आर्टरी है या अगर ये कोई वेन है, तो इसका जो ये वॉल होता है, ये वाला वॉल या ये वाला वॉल, ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें अपनी ब्लड वेसल की सप्लाई होती है और इसमें नर्व्स की भी सप्लाई होती है. एक तो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल हमारे पूरी बॉडी को चाहे ब्लड कैरी करती है चाहे ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है ना, चाहे ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है चाहे ब्लड इनटू द हार्ट ले जाती है. ठीक है, तो इसका काम होता है ब्लड को कैरी करना. लेकिन ये खुद ब्लड वेसल खुद टिश्यूज की बनी है, खुद सेल्स की बनी है, तो इन सेल्स को, इन टिश्यूज को खुद, इनको भी जरूरत पड़ती है ब्लड की. ठीक है, इनको भी फूड चाहिए, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारा ब्लड से ही मिलता है, लेकिन उसके लिए अलग से ब्लड वेसल होती है. और जो ये ब्लड वेसल होती है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड वेसल ऑफ द ब्लड वेसल. सो वी कैन राइट दिस इज द ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल. और इस ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल को हम बोलते हैं वैसोरम. याद रखिएगा, कभी कभार पूछा जाता है व्हाट इज वैसोरम, वैसोरम इज द ब्लड वेसल ऑफ द ब्लड वेसल. ठीक है, तो इसके अलावा इसकी, इसको नर्व सप्लाई भी होती है, ब्लड वेसल भी होती है. एंड ये ब्लड वेसल जो होती है बहुत छोटी होती है, बहुत पतली होती है, और ये सप्लाई देती है ब्लड वेसल को. तो वो ब्लड वेसल जो ब्लड वेसल को सप्लाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज द वैसोरम. ओके, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं, जो यहां पे मैंने आर्टरी दिखाई है, यहां पे वेन दिखाई है, आप देख सकते हैं जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये वाली लेयर, दिस लेयर, और यहां पे ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस लेयर. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आर्टरी होती है, इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है, ये होता है थिन,
और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो वेन में होता है ये होता है थिक, ठीक है ना। जब हम कंपैरिजन करेंगे आर्टरी और वेन के बारे में तो उस टाइम में हम ये पॉइंट्स लिखेंगे सारे कि कौन कौन सी डिफरेंस है आर्टरी और वेन में। तो पहली डिफरेंस आप देख रहे हैं कि ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरी में पतला होता है, थिन होता है, और यहां पर मोटा होता है, थिक होता है, ठीक है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंशिया, ओके। हाँ, नाउ द नेक्स्ट लेयर इज ट्यूनिका मीडिया। चलिए अब इस ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर वाले साइड से देखिए, जिसमें मैंने ये वाली लाइंस डाली हैं, यहां से भी ये वाली लाइंस, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज ट्यूनिका मीडिया एंड दिस इज ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। तो ट्यूनिका मीडिया सिंपली होती है मसल लेयर, मस्क्यूलर लेयर, क्या होती है, मस्क्यूलर लेयर, और ये सिंपली इस ब्लड वेसल को सपोर्ट करती हैं। इसका काम क्या होता है, ये सपोर्ट करती है किसको, ब्लड वेसल को, ठीक है। जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं आर्टरी वेन का, तो इसमें जो दूसरी लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर वाले साइड से, दैट इज ट्यूनिका मीडिया, यहां पर भी ट्यूनिका मीडिया। अब यहां पर भी आप क्लियरली इसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि आर्टरी में जो ट्यूनिका मीडिया होता है ये थिकर होता है एज कंपेयर टू द ट्यूनिका मीडिया इन द वेन। यहां पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पतला है और ये बिल्कुल मोटा है, तो यहां पे ट्यूनिका मीडिया थिकर है, यहां पे थिनर है। यहां पे ट्यूनिका एक्सटर्ना थिन था, यहां पे थिकर था। यहां पे ट्यूनिका मीडिया थिक है, यहां पे थिनर है, ठीक है। हाँ, चलिए अब इसके बाद तीसरी लेयर क्या है, जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, ट्यूनिका इंटरना। और ट्यूनिका इंटरना इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, इसमें भी दो लेयर्स होते हैं, एक होती है इलास्टिन लेयर और दूसरा इसमें होती है एंडोथेलियम, ठीक है। ट्यूनिका इंटरना जो इनर मोस्ट लेयर है ब्लड वेसल की, चाहे आर्टरी ले लो चाहे वेन ले लो, इसमें भी दो लेयर्स होते हैं, इलास्टिन लेयर एंड एंडोथेलियम, ठीक है। अब चलिए यहां पे ट्यूनिका एक्सटर्ना ये है, ट्यूनिका मीडिया ये है। अब ये वाली लेयर जो आप देख सकते हैं ये है इलास्टिन लेयर, ठीक है ना, इलास्टिन लेयर। ये इलास्टिन लेयर बनी होती है येलो इलास्टिक फाइबर की, इट इज मेड ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। हाँ, चलिए अब जरा इस इलास्टिन लेयर और इस इलास्टिन लेयर को, जिसमें मैंने ये वाले ऐसे दिखाया है, दिस इज इलास्टिन लेयर एंड दिस इज इलास्टिन लेयर। तो यहां पे इलास्टिन लेयर यहां से देख लिए, यहां से लेकर यहां तक इलास्टिन लेयर यहां पे थिक है, यहां पे इलास्टिन लेयर बिल्कुल पतली है। तो यहां पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं इलास्टिन लेयर में, इन इलास्टिन लेयर इन आर्टरीज इज थिक एंड इलास्टिन लेयर इन वेन इज थिनर, ठीक है। इसके बाद है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम जो ये वाली लेयर आप देख सकते हैं दिस लेयर, और यहां पर भी आप देख सकते हैं दिस लेयर, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एंडोथीलियम, ठीक है, ये एंडोथीलियम है। और एंडोथीलियम क्या होता है, ये होता है सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। तो एंडोथीलियम बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है, असल में इनर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका इंटरना, लेकिन ट्यूनिका इंटरना इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू इलास्टिन लेयर एंड एंडोथीलियम। तो पहले इलास्टिन लेयर आती है, उसके अंदर आती है एंडोथीलियम, तो एंडोथीलियम बन गई सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। हाँ, अब आप देख सकते हैं जो आप बीच में ये स्पेस देख रहे हैं, यहां पर ये स्पेस देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूमेन, सो दिस इज ल्यूमिन। आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि आर्टरी में ल्यूमिन जो होता है वो नैरो होता है, वाइल एज वेन में ल्यूमिन क्या होता है, वो वाइडर होता है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, वेन आर्टरी में ट्यूनिका एक्सटर्ना इज थिनर, इन वेन ट्यूनिका एक्सटर्ना इज थिकर। यहां पे आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया होता है थिकर, यहां पे थिनर। यहां पे इलास्टिन लेयर थिकर, यहां पे थिनर। यहां पे ल्यूमिन होता है नैरो, यहां पे होता है वाइडर, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द आर्टरी एंड वेन। अगर हम कैपिलरीज की बात करें, मान लीजिए ये है कैपिलरी, तो कैपिलरी के पास सिर्फ एक ही लेयर होती है एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एंडोथीलियम। कैपिलरी क्यों, चूंकि बहुत छोटी होती है, बहुत पतली होती है, तो इस वजह से जो इसका इसके पास एक ही लेयर होती है, इसके क्रॉस सेक्शन में हम एक ही लेयर देखते हैं, दैट इज एंडोथीलियम, और ये एंडोथीलियम इस पे रेस्ट करती हैं,
दिस इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमें पता है कि अभी मैंने बताया कि एंडोथीलियम बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम का। अब चूंकि एपिथीलियल टिश्यू है, एपिथीलियल टिश्यू हमेशा रेस्ट करता है किस पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो चूंकि कैपिलरी में सिर्फ एंडोथीलियम है और एंडोथीलियम होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, दैट मींस इट्स गोइंग टू रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ए नॉन सेल्यूलर लेयर। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम कंपैरिजन देखते हैं किसके बीच में, आर्टरीज और वेन्स के बीच में, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। सो वी आर गोइंग टू टेक अप द कंपैरिजन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा आर्टरी, यहां पे मैं लिखूंगा वेन, ठीक है। सबसे पहली डिफरेंस, आर्टरीज जो है ये दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। जो हार्ट ब्लड पंप करता है, बाहर छोड़ता है, तो वो ब्लड जो होता है बाहर निकलता है हार्ट से किसके जरिए से, आर्टरी से, और वो फिर डिफरेंट बॉडी टिश्यूज के पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। लेकिन वेन्स क्या होती है, वेन्स वापस लाती है टिश्यू से, वापस लाती है ब्लड कहां की ओर, हार्ट की ओर। तो ब्रिंग ब्लड इनटू द हार्ट, तो ये आर्टरी जो होती है हार्ट से वापस निकालती है ब्लड, और वेन हार्ट के पास पहुंचाती है ब्लड को, ठीक है। दूसरी डिफरेंस, ये आपने पढ़ा होगा, ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम वेन की बात करते हैं, ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दीज आर डीपली सीटेड, दीज आर डीपली सीटेड यानी कि ये बिल्कुल अंदर होती हैं, ये हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती है, एक्सेप्ट फ्यू कुछ जगहों पे, लाइक लिखेंगे हम एक्सेप्ट रिस्ट एंड नेक। तो यहां रिस्ट पे अक्सर हम देखते हैं, पालस देखते हैं हम यहां पे रिस्ट पे, तो यहां पर जो होती है यहां पे आर्टरी थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जगहों पे ये बिल्कुल अंदर होती है, हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये होती है, दीज आर नॉट डीपली सीटेड। तो वेन्स जो होती है हमें ऊपर से दिखाई देती है, जैसे आप ये ब्लू कलर की ये वेन्स देख सकते हो, ये ऊपर से हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। तो लेकिन जो आर्टरीज होती हैं ये डीपली सीटेड होती हैं, ये बिल्कुल अंदर होती है, दिखाई नहीं देती है, एक्सेप्ट कुछ जगहों पे थोड़ी ऊपर होती है, जैसे रिस्ट पे, जैसे नेक पे, ठीक है। हाँ, ये तो हो गई ये डिफरेंसेस। इसके बाद ट्यूनिका एक्सटर्ना, अभी हमने पढ़ा ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरी में क्या था, थिनर, और यहां पे क्या होता है, थिकर, यहां पे ट्यूनिका एक्सटर्ना इज थिकर, ठीक है। इसके बाद ट्यूनिका मीडिया, इज थिकर, यहां पे क्या होता है, थिनर, यहां पे ट्यूनिका मीडिया होता है थिकर, यहां पे होता है थिनर, ठीक है। इसके बाद इलास्टिन लेयर, इलास्टिन लेयर यहां पर आर्टरी में, इलास्टिन लेयर ये वाली लेयर थिक होती है, यहां पे ये वाली लेयर थिन होती है। सो इलास्टिन लेयर इज थिक, और यहां पे क्या होती है, यहां पे थिन होती है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो यहां पे ल्यूमिन होता है, ल्यूमिन यहां पे नैरो होता है, जितना ल्यूमिन नैरो होगा उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर के साथ चलेगा, ठीक है ना। तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन, क्योंकि उनका ल्यूमिन जो होता है वो नैरो होता है, जितना नैरो होगा उतना प्रेशर ब्लड का ज्यादा होगा। तो यहां पे होता है ल्यूमिन इज नैरो, और यहां पे ल्यूमिन जो होता है ये
वाइडर होता है, ठीक है ना, बड़ा ल्यूमिन होता है, ठीक है, इसका मतलब वेन्स में ब्लड आराम से चलता है, ठीक है ना। अब जो आर्टरीज होती हैं, दे डज नॉट कंटेन वैल्व, इनके पास वैल्व्स नहीं होते हैं। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि वेन्स में होते हैं वैल्व्स। वैल्व्स का काम क्या होता है, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए इस रास्ते से ब्लड चल रहा है, आगे वैल्व है, तो वैल्व इसको आगे जाने देता है लेकिन वापस आने नहीं देता। सो दीज वैल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। और आर्टरीज में ये वैल्व्स नहीं होते हैं, और इनकी जरूरत भी आर्टरीज में नहीं पड़ती है, क्योंकि इनका काम होता है ब्लड हार्ट से टिश्यूज तक ले जाना, ठीक है ना। हाँ, तो वेन्स में जरूरी है, वेन्स में जरूरी होता है वैल्व, क्योंकि अदरवाइज ब्लड जो है जब हार्ट में चला जाता है वेन से ब्लड, तो वो वापस भी निकल सकता है। तो वैल्व्स उस ब्लड को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम बैक फ्लोइंग, ठीक है। तो यहां पे वैल्व्स एब्सेंट होते हैं, यहां पे वैल्व प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू वेरी मच।